नमस्ते, मेरा नाम है संतोष। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं लेकिन आपकी आय अच्छी नहीं है, आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षा दिला सकें, सो हालांकि कुछ राज्यों में जैसा कि आप सभी को पता है गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी अच्छी शिक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पूरे देश में काफ़ी सारे ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है। मैं खुद एक ऐसे राज्य से आता हूँ जहाँ पर मुझे पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। लेकिन दोस्तों, आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का जो सपना है वो केंद्रीय विद्यालय दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में आप एडमिशन करवा सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से वो दस्तावेज हैं, वो डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपके पास हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लेना। सो दोस्तों, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, सो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इसके लिए पात्र होते हैं, यानी कि एलिजिबल होते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हैं जिनमें 51% से अधिक सरकार भारत सरकार की हिस्सेदारी है, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सेना से जुड़े जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी इसमें अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें वहीं पर कुछ और कैटेगरियों की, तो जो केंद्रीय विद्यालय में जो कार्यरत हैं वो भी अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में। इसके अलावा खेलों में फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड श्रेणी प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी हैं या फिर जो बच्चे हैं वो भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में ले सकते हैं। इसके अलावा अब बात आती है आम इंसान इसमें कैसे एडमिशन प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है दिव्यांग। अगर आपका बच्चा दिव्यांग है सो आपका बच्चा भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पा सकता है, इसके लिए अलग से कोटा रखा गया है। इसके अलावा सिंगल गर्ल चाइल्ड एक कैटेगरी है जिसके तहत भी आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंगल गर्ल कैटेगरी के बारे में बताना चाहूँगा, कुछ लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूँ सिंगल गर्ल का मतलब है इकलौती संतान और वह केवल बेटी है या फिर जुड़वा बेटियाँ हैं तो वो सिंगल गर्ल कैटेगरी के तहत एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो कैटेगरी आता है वो आता है आम लोगों के लिए, जो सबसे ज़्यादा जो एडमिशन आम लोगों को दिया जाता है उसमें आता है आरटीई। आरटीई एक ऐसा कोटा है जिसमें जिनकी आय बेहद कम है, यानी कि 1 लाख रुपए से कम जिनकी आय है सालाना, वो लोग भी इसमें अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हों। इसके अलावा SC यानी कि अनुसूचित जाति इस और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति, OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले, और साथ ही EWS जैसा कि मैंने आपको बताया जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम होती है, वो लोग भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए अब केंद्रीय विद्यालय में आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए 25% सीटें ऑलरेडी रिजर्व रखी जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरियां हैं जो केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। सो आप ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो केंद्रीय विद्यालय का जो हर साल निकाला जाता है, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, सो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कौन कौन से लोग इसमें एडमिशन करवा सकते हैं, तो आपको उससे जुड़ा हुआ एक दस्तावेज लगाना होगा, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप EWS से आते हैं यानी कि RTE के तहत आते हैं तो आपको अपना एक डॉक्यूमेंट देना होगा उससे संबंधित, या फिर अगर आप गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, सेक्टर के कर्मचारी हैं, या फिर आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको उससे संबंधित एक डॉक्यूमेंट एक देना ही होगा। साथ ही यहाँ पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा, अगर आपका बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि खुद से लिख करके भी दे सकते हैं, वही वैलिड होता है। इसके अलावा जो अगला कैटेगरी है वो आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा इशू किया गया हो या राज्य सरकार द्वारा इशू किया गया डॉक्यूमेंट हो। साथ ही अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप रेंट एग्रीमेंट को भी लगा सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को लगा करके आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग प्रक्रिया रखी गई है। क्लास 1 के लिए आप ऑनलाइन मोड से फॉर्म भर सकते हैं, बाकी की क्लासों के लिए ऑफलाइन मोड से फॉर्म भरवाए जाते हैं। दोस्तों, इस बारे में विस्तार से मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, तो अगले कैटेगरी में आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा कि किस कैटेगरी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनवाया जा सकता है। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।